हेलो फ्रेंड्स, मितुस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, ना ही ये कोई बर्गर है और ना ही ये मैंने टिक्की बनाई है, ये बिल्कुल नई और आसान रेसिपी है। ये रेसिपी आज से पहले आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी। मैंने बिल्कुल आप ऐसी रेसिपी बनाई है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक टाइम में या फिर आपका जब भी कुछ टेस्टी और नया कुछ खाने का मन करे झटपट बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज की ये यूनिक रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है। आलू को पहले हमें अच्छे से मैश कर लेना है, तो आप मैशर ले सकते हैं या फिर आप हाथ से भी ऐसे मैश कर सकते हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। आप यहाँ चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, अरारोट भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, आलू के साथ मिक्स करके इस तरीके का डो बन गया है। अब बस हमें इसकी गोल गोल टिक्की जैसे बॉल्स बना लेने हैं। तो हमारे बॉल्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इतने आलू में मैंने ये 4 टिक्की बनाई हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, तो कढ़ाई या पैन में आप थोड़ा सा तेल गरम कर लें और उसी में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको इन्हें फ्राई नहीं करना है तो आप इसे जो घी या तेल है उसमें भी आप शैलो फ्राई करके भी इन्हें बना सकते हैं। अब हम इन्हें दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन कलर का होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने कम तेल इस्तेमाल करा है, इसीलिए मैं फॉक की हेल्प से इन्हें पलट कर अच्छे से मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिक्की है काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारी आलू टिक्की बिल्कुल तैयार है। चलिए अगला स्टेप फॉलो करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ मैंने ब्रेड पीस लिया है और एक कटोरी ली है। तो मैंने क्या किया है कि कटोरी का साइज़ वो लिया है जिससे सिर्फ कॉर्नर अलग हो और ब्रेड का बीच वाला सॉफ्ट वाला भाग आराम से कट सके। इसी साइज़ की आप भी कटोरी लीजिएगा ताकि वेस्टेज कम से कम हो सके। ये देखिए, कटोरी से मैं इस तरीके से इसे गोल शेप में काट रही हूँ। तो बिना आज बर्गर बन इस्तेमाल किए हम बहुत ही टेस्टी नए तरीके का बर्गर बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, अब मैंने जो टिक्की बनाई थी वो मैंने साइज में इस ब्रेड पीस से थोड़ा छोटी रखी थी। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, थोड़ा छोटी टिक्की बनाइएगा। इसका रीज़न मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। तो ये देखिए, ब्रेड स्लाइसेस मैंने काट के तैयार किए हैं और अब हल्का सा बटर को मैंने मेल्ट किया है। इस बटर को हम इस ब्रेड स्लाइस पर लगा लेंगे। तो ब्रेड के एक हिस्से पे ही हम बटर लगा रहे हैं, दूसरे हिस्से पे नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों हिस्से पे लगा के भी सेक सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक हिस्सा लगाकर उसे सेक लूँगी। सभी ब्रेड के एक हिस्से पर बटर को लगाकर तैयार किया है। अब हम इसे तवे पे रख के अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये देखिए, ब्रेड को भी मैंने अच्छे से सेक लिया है और अब हम इसे पलट के भी हल्का सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ब्रेड हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल नहीं सेकना, लो फ्लेम पे आपको हल्का सा सेकना है, दबाना नहीं है ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बिना बर्गर के हमारे ये बर्गर वाली शेप के ब्रेड स्लाइस बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा टमाटो केचप इस पे लगाना है और दूसरी तरफ मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। मेयोनीज अगर आपके पास नहीं है तो घर पे कैसे मेयोनीज बनाते हैं, मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से 1 मिनट में घर पर आप मेयोनीज बना सकते हैं। अब हम दोनों को अच्छे से ब्रेड स्लाइस पर फैला लेंगे। अब हमें
जो हमने टिक्की तैयार की है उसे रख लेना है। साथ में मैं यहाँ खीरा और टमाटर के स्लाइस रख रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, अपनी पसंद से वेजेस को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा नमक और काली मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। आप रेड चिली फ्लेक्स या ओरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे दबाकर अच्छे से बंद कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना भरे, क्योंकि हमें इसे एक नेक्स्ट प्रोसेस के लिए थोड़ा सा पतला ही रखना है। अब एक बाउल के अंदर आप थोड़ा सा मैदा ले लीजिए, ये मैंने आधा कप मैदा लिया है। इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैंने लिया है। सभी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो आधा कप बैटर बनाने में आपको 1/4 कप पानी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए हमारा बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। और साथ में मैंने अब लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड के क्रम्स बना सकते हो। जो ब्रेड कॉर्नर्स निकले हैं उन्हें आप मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा और उसकी जगह उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हमने ब्रेड के बन तैयार किए हैं इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हो। बच्चों को जब भी भूख लगे आप इस तरीके से ये बर्गर बनाकर उन्हें दीजिए, ब्रेड का इंस्टेंट बर्गर, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करना। और मैंने बिल्कुल कम सामानों में लॉकडाउन स्पेशल तरीके से इसे बनाया है, लेकिन हम इसे बहुत ही क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो हमने मैदा का घोल बनाया है उसमें इस बर्गर बन को अच्छे से डालकर कोट कर लेंगे। कोशिश ये करनी है कि जो बर्गर के साइड्स हैं उन्हें आप अच्छे से फोल्ड कर सकें, और साथ ही साथ कोट करते टाइम ध्यान रखिएगा कि अच्छे से बंद हो जाए। तो इसे अब हम कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में अच्छे से डाल देते हैं और इसे कोट कर लेते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर आने वाला है दोस्तों, तो ये स्टेप आप ज़रूर करना। और देखिए अब इसे अच्छे से कोट कर लेने के बाद दूसरा बर्गर भी मैंने ऐसे ही तैयार किया है। और आपको देखना है कि इसके जो साइड्स हैं वो कवर होने चाहिए, क्योंकि हम इसे ऑयल में फ्राई करने वाले हैं। तो बर्गर आपका बंद ही होना चाहिए, इस तरीके से आपको इसे कोट करना है। तो बर्गर बिल्कुल तैयार है। चलिए झटपट हम इन्हें गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का नया स्टाइल वाला बर्गर आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसमें कोई नहीं बताएगा कि ये बर्गर आपने बिना बर्गर बन के बनाया है। ब्रेड के साथ ये टेस्टी इंस्टेंट क्रिस्पी बर्गर, जिसकी रेसिपी बहुत यूनिक है, और घर में रखे सामान के साथ आप इसे बना सकते हो। आप चाहो तो मेयोनीज भी स्किप कर सकते हो, और चाहें तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चीज़ लवर हैं तो इसमें चीज़ ग्रेट करके अंदर चीज़ बर्गर भी आप बना सकते हैं। बर्गर को हम अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन कलर का हमारा बर्गर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक बिल्कुल नई यूनिक रेसिपी देखने के लिए मिली है, और ये रेसिपी आप जब भी ट्राई करोगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी विदाउट बर्गर बर्गर बनकर तैयार है। इस तरीके से बना हुआ ये स्नैक फ्रेंड्स आप जिसके सामने भी रखोगे उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कैसे बनाया है। तो बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। और चलिए अब हम इसे काट के देखते हैं। ये आप देख सकते हो इसे काटते टाइम ही ये कितना क्रिस्पी है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके का ये बर्गर ज़रूर बनाना घर पे, और मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलना कि आपका ये बर्गर कैसा बना। अगर अभी तक आपने मीतूस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए ऐसे ही लाती रहती हूँ जो कि बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।